रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने गए थे मटर पुलाव। एक कप, एक गिलास मैंने चावल ले लिए। ये सुपर राइस है, चेक करें। एक पाव मटर लिए थे मैंने, और ये आधा किलो, दो तीन ये आलू हैं। तो चावल को हम धो लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, तो हल्का सा इसको ब्राउन कर रहे हैं। अब इसको ना थोड़ा सा इसका कलर लेते हैं। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। इसका कलर थोड़ा सा निकालते हैं। इसका कलर निकाल लिया हमने। अब इसमें अदरक लहसुन और टमाटर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ताज़ा फ्रेश बनाया मैंने। अदरक लहसुन चावलों की तरह हमें स्पाइसी बनाना है। आप इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दें। अब इसमें लहसुन का कटी हुई लाल मिर्च, मिर्ची लाल मिर्च। अब इसमें नमक डाल दें। इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। बहुत मज़ेदार बनने वाला है मटर पुलाव। स्पाइसी, एक सिंपल भी बनाते हैं लोग, लेकिन हम मिर्ची वाला ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें मटर डालते हैं, आलू डालते हैं। अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसमें मैंने एक चम्मच बिरयानी मसाला डाल दिया और थोड़ा सा दही डाल दिया। अब इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लेते हैं। मसाला चेक करें। ये मटर, आलू, ये सारे मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं, आयल ऊपर आ गया। इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अब इसमें पानी डालते हैं। एक गिलास चावल से और दो गिलास पानी डाल दूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
इसकी साइडें भी सफाई करते रहा करें साथ साथ, अच्छा लगता है। अब इसको कवर कर देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह ये चटनी है हमारा पुलाव रेडी हो गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये चेक करें। ये धुआंदार मटर पुलाव रायते के साथ खाएं, इंजॉय करें। अभी डिश आउट करके बताते हैं। माशाल्लाह ये चेक करें जी हमारा मटर पुलाव रायते के साथ रेडी हो गया। कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ जी, और हमें अपनी दुआओं में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।